I can see my cake. Baby shopping mall. दोनों को ही रोना आ गया. And look at this. मैं उसको बताऊंगी कि वो मास्क में पैदा हुआ था. ये है डेली डेली. आज बाहर नहीं आ जाएगा रुपये. One, two, three. Welcome back to my channel guys, and as you can already see the amount of happiness I have. ये दो ही केसेस में होती है, या तो होती हूँ मैं नितेश के साथ में, या फिर मैं जा रही होती हूँ मेरे घर वालों से मिलने, या उनके साथ में होती हूँ, राइट. तो अभी आप देख रहे हैं नितेश तो भी है नहीं, वो गए हुए हैं जिम, और इसीलिए मैं हूँ अभी कैब में. एंड आई एम गोइंग होम क्योंकि मम्मी ने बोला था भाई तू आ जा, बर्थडे वर्डे है तो केक वेक काट के थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं. ऐसा नहीं बोला था, मम्मी ने बहुत प्यार से बुलाया है. तो मैं बस ऑन द वे ही हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में इस व्लॉग में शेयर करनी है. बहुत सारी लाइफ अपडेट्स हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, इधर की उधर की. एज यू ऑलरेडी नो कि भाभी का भी बिल्कुल यू नो पूरा टाइम है. नाउ वी आर ऑल प्रिपेयर्ड कि बस उसका वेलकम ही करना है. तो उसके लिए भी हमने क्या क्या शॉपिंग करी है, एंड प्लस मैंने हम जाके आए थे शिमला, तो वहाँ से भी हमने कुछ एक चीज़ें शॉप करी थी. तो हमने सोचा कि बिल्कुल सही टाइम है, अभी एक बार जाके आती हूँ, केक भी कट करके आते हैं और उनको गिफ्ट अपने हाथों से प्रेजेंट मतलब देने का अच्छा भी लगता है, राइट. तो उसी लिए मैं हूँ रास्ते में, और चलो चलते हैं घर, आपको मिलवाते हैं मेरे घर वालों से. बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आते हैं यार, इनको नहीं देखा उनको नहीं देखा, आज सबको देख लेना. अच्छा बोलने वाली कौन है यहाँ पे, बापू का है, बापू बोला, बापू जिनको अभी आदत डालनी पड़ेगी. And look at this. पापा आपको बहुत सारे लोग मिस करते हैं. नाम तो नहीं पता. कौन बोलते हैं आप बहुत क्यूट लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, स्वीट लगते हो. तो हमें कैसे पता चलेगा? पापा आप मेरी वीडियो में कमेंट करते हो ना, तो उसमें आप अपने कमेंट्स भी पढ़ सकते हो. पापा की हैबिट है हर एक वीडियो में, वेरी नाइस वीडियो. पापा पूरा देखते हो या नहीं देखते हो? अच्छा वॉच टाइम एटलीस्ट पापा मेरे कम यू नो काउंट करवा देते हैं. माय फेवरेट अल्टीमेट. अच्छा तो पता है अभी हम ऐसी बात बैठे थे बात कर रहे थे, तो मम्मी के बात बात करने में ना ऐसे ही रोना सा छूट रहा है. बताओ क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन हो रहा होगी नहीं क्या? मेरी बेटी है, मेरी बहू है, उसको मामा में ना चलू है, और मैं भी अकेली हूँ. बेटी को जब तक बुलाऊँ तब तक तो मेरे को टेंशन हो जाती है, जब तो हॉस्पिटल जाऊँ रात को नींद नहीं आती है, उसको कभी भी दर्द हो जाए. आई थिंक ऐसा हर फैमिली में होता ही होगा, नहीं मतलब हर एक किसी को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है. और अभी मतलब जैसे मम्मी भी बता रही थी कि भाभी बता रही थी कि अलमारी में ये सब चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, तो इन केस ऑफ एमरजेंसी तो वो चीज़ें कभी कभी कहती है मम्मी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है. मेरे बेटा तू टेंशन मत कर, करने वाला भगवान है वही चीज़ ना. और मैं तो बहुत खुश हूँ. इनकी तैयारियाँ तो अल्टीमेट है गाइस, इतनी ज़्यादा इन्होंने शॉपिंग कर रखी है, या फिर यू नो मतलब एक्साइट. बुआ भी इतना एक्साइटेड है. आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं. और 30 सालों बाद हमारे घर में बच्चा आएगा. मम्मी आपने मेरी उम्र बता दी. 27-28 साल. और क्या अभी मम्मी बता रही है हॉस्पिटल गए थे ये लोग, तो मम्मी को ना 5 सेट दिए थे 2 जगह पे दवाइयों के. तो एक तो था बेहोशी का मतलब ज़्यादा नींद आने का इन केस ऑफ रेस्टलेसनेस, और एक सेट था जिसमें मम्मी को जो लेना था. अब मम्मी ने क्या किया, मम्मी जो रेगुलर दवाइयाँ जो लेनी थी ना एक्चुअल में वो ना लेके और मम्मी बेहोशी के ले रही थी. तो मम्मी जब मेरा बर्थडे था ना तो बता नहीं रही थी मेरे को, बट उनकी आवाज़ से ऐसे लग रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है. तो अब बता रही है कि देवी तेरे बर्थडे वाले एक दिन पहले मेरी तो हालत ऐसे ख़राब हो गई थी, फिर अभी पता चला कि वो गलत सेट ऑफ दवाइयाँ ले रही थी जिसमें नींद और बेहोशी का था. आपको टेंशन हो रही है? मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है. क्यों हो रही है? मम्मी नहीं क्या, वो बेहोशी बेहोश होके बैठी है. बेहोश होके बैठी है और मेरे को होश में ले आई एकदम से. को ये टेंशन होती है आज बाहर नहीं आ जाएगा रुपए. ये देखो अभी इसमें क्लियर नहीं आ रहा होगा ना? नहीं बहुत क्लियर है, कैमरा पकड़ लेता है बारीकी, समझ रहे हो? ओके सो अब हम काटने वाले हैं केक. ओके
सो दादी इतनी एक्साइटेड हैं, इतनी सारी शॉपिंग ऑलरेडी हो चुकी है एंड आई थिंक हम तीनों यहाँ पे बैठेंगे और बहुत सारी चीजें हैं तो आई थिंक मेरे चैनल पे पहली बार हम करने वाले हैं बेबी शॉपिंग हॉल मेरी बेबी का नहीं ये भी कम नहीं है राइट क्योंकि मैं प्रमोट होने वाली हूँ बुआ में राइट और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नाम कौन रखता है मम्मी पलट गई बोले कि दादा दादा रखते हैं मेरे का एक तो चीज़ है जो कभी बुआ के नाम आती है नाम रखने वाला एटलीस्ट लेटर प्रोवाइड कराते हैं पंडित जी लेकिन क्या हुआ आप पंडित जी को बोलेंगे ना नहीं तो आप दादा क्यों बोल रहे थे पहले ये बताओ नहीं पहले एक तो एक तो चीज बची है मेरे लिए शुरू से आया शुरू से ही बच्चे का नाम नहीं दादा मैंने हमारे घर में तो बुआ ही रखती है और अपने मासी की उम्र भी दादा तो दादा ही रखा है छीन रहे थे ऑफ कैमरा पलट गई पूरी दादा नहीं 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 चलो ओके इतनी आवाज कैसे आ सकती है इसमें भाभी पहले आप दिखाओ आप क्या दिखाना चाहते हो मैं तो देखूं पहले ये तो मम्मी लाई है जो मेरे को बहुत पसंद आया कौन सी मम्मी मम्मी मेरी सासू माँ अच्छा सासू माँ ओके और ये सारी चीजें पाउडर है मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता मैं कर रही हूँ ना हाँ बता रही हूँ ना इसमें सब है क्या क्या चीजें एक तो बेबी पैंट्स जो आती है वो स्टार्ट करेगा करना यस अभी तक अंदर से कर नहीं पाया बट अब करेगा बाहर निकलते ही वो ये उसकी कैप है और बिब है इसका पाउडर है इसके गला है हाँ क्या बोलते हो गला बेबी सूट होता है तो ये मम्मी बल्क में ले आई थी और डिफरेंट कलर्स मम्मी ने बताया था मेरे को तो एक है सारे शेड्स हैं भतीजा या भतीजी किसकी है ये इनर है ये भी इनर है और गंदी बोलते हैं ये छोटे बच्चे की इनर सर्दियों में पहनने का और जल्दी 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 और ये भी इनर है लुक एट दिस नाइस कलर्स आई थिंक मैंने भाभी ये भेजा राइट सो मैंने अमेज़न से ये मंगाया था यू नो मतलब पता भी नहीं है अभी क्या कैसे होने वाला है सो ब्लो भी है पिंक भी है इन केस ऑफ बेबी गर्ल और बेबी बॉय तो ये ऐसा है एंड आई लीव द प्राइजेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ये दो कलर्स में है दिस एंड दिस और है ये नानी ने भेजा है ये नानी ने भेजा है बहुत ही क्यूट है ये उसका कंबल कौन लेगा और ये उसका तकिया कोई कलर मिसिंग ही नहीं है ना येलो नहीं आया ना पहनाते येलो नहीं आया सारे ही कलर्स हैं इसमें अब उसको जो जिस दिन पहनना होगा ना वो भी ऐसा ही हो जाएगा कि मेरे को इस दिन पहनना है इस दिन ये कलर पहनूंगा इस दिन ये कलर पहनूंगा तो अभी हम शिमला गए थे तो मुझे डेफिनेटली कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खिलौने लूँ तो कैसे लूँ मैंने सोचा कि अब बहुत सारी चीज़ें भाभी के पास में ऑलरेडी जमा हो गई हैं इन चीज़ों को आपको कैरी करने के लिए कोई बैग चाहिए होगा तो मैं लाई हूँ आपके लिए ये वाला बैग गेम चेंजर यू नो मेरे स्किन केयर में आजकल जहाँ पे एक्ने इश्यूज कितने ज़्यादा होते हैं एंड अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया ना तो इट कैन कॉज डिस्कम्फर्ट और उस केस में क्या होता है या तो आपको फिल्टर यूज़ करने पड़ते हैं लेकिन जो इफेक्टिव जिसने एक्चुअल में मेरी स्किन को क्लियर रखने में हेल्प करी है ना वो है ये द डर्माकोका 10% नियासिनमाइड सीरम सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक इट्स क्वाइट ट्रैवल फ्रेंडली मतलब बहुत ही कन्वीनियंटली आप इसके सामने ट्रैवल कर सकते हो एंड दिस वर्क्स एक्टिवली टू क्लियर एक्ने मार्क्स बहुत ही एविडेंट आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इज वेरी लाइट वेट स्किन में ना बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो जाता है ना उसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो उसका मेन हीरो इंग्रेडिएंट है नियासिनमाइड एंड जिंक जो कि इफेक्टिवली काम करते हैं प्लस ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन दिस आर सेफ टू यूज ऑन योर स्किन एंड ऑल द डर्माको प्रोडक्ट्स आर डिजाइन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा सेफ होते हैं आपकी स्किन पर यूज करने के लिए भी देखा जाए तो जो इसमें नियासिनमाइड है ना वो विटामिन B3 का फॉर्म है जो कि आपको यूजुअली मिलता है एवोकाडो फ्रूट में वेल एवोकाडो फ्रूट में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ विटामिन B3 नाउ ये
केमिकली प्रूवन है टू इम्प्रूव लार्ज ओपन पोर्स एंड ऑल्सो आपकी स्किन कंडीशन को भी ना काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है, बेटर करता है. एंड ऑल्सो उसमें है जिंक जो कि जो डैमेज होता है ना स्किन सेल्स का उसको काफ़ी हद तक रिपेयर करता है एंड ऑल्सो सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है. मैं इसको यूज़ करती हूँ दोनों ही टाइम पर रूटीन में, मॉर्निंग में भी एंड इवनिंग में भी. एक जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 2 से 3 ड्रॉप्स इसके लेने हैं अपने पाम पे एंड देन जेंटली मसाज करना है अपने फेस पे. कीप इन माइंड कि ड्रॉपर को कभी भी अपनी स्किन पे टच ना करें, जो कि आई नो मैं ये मिस्टेक करती थी लेकिन अब नहीं करती. आप देख रहे हैं यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, मतलब डर्माकोर बीइंग द ऑनेस्ट ब्रांड वो रिवील करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज भी, मतलब इसमें 10% है विच इज सुपर सेफ टू यूज फॉर एवरीवन. ऑल इन ऑल रॉकेट साइंस नहीं है क्लियर स्किन के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये यूज करना है सुबह और शाम में क्लेंस फेस पे एंड इसके बाद में सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूले, मतलब वो सिर्फ मॉर्निंग में ही नाइट में नहीं. एंड हाँ, इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ चेकआउट डू यूज माई कूपन कोड विच इज सुपर 20, से आपको मिलेगा एडिशनल 20% ऑफ. एंड लास्टली दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa एंड Flipkart. तो मेकअप से ही बढ़ जाएगा. किसका मेकअप? उसका मेकअप. और क्या? और क्या? मास्क के अंदर लिपस्टिक नहीं, बच्चे को डॉक्टर ने हटाया मास्क. अरे भाई तुम लोगों का एक पाउडर लिपस्टिक इनसे बढ़ जाएगा. सो सबसे पहले मेरे पास है भाभी के लिए भी, जो मैं लेके आई हूँ. तो भाभी येलो कलर बच्चे की कपड़ों में मिसिंग था ना, तो ये बच्चे की मम्मी के लिए खोल के देखे है ना. मुझे पता जो मैंने अभी तो पहन है. यस कपड़े देख के ही तो स्मेल बड़ी हो जाती है. कपड़े वाले ना हम ये पापा के लिए है. ये पजामे हैं इसमें, मतलब आप देख रहे हो काफी सारी शॉपिंग मैंने करी है. अब जैसे मैं आप लोगों को स्टाइल करके दिखाती हूँ, वैसे डेफिनेटली मैं इन लोगों को यू नो परेशान नहीं करूंगी कि ये सब लोग मुझे से करके दिखाएं, स्पेशली भाभी. सो बस ये यहाँ रखते हैं और क्या हम काटते हैं केक. बाय द वे काफी सारी शॉपिंग करी मैंने शिमला से. फ्रूट्स कैसे लगे आप लोगों को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लगे. डिफरेंट थे ना, लेकिन डिफरेंट थे बट हमको अभी तक नेम्स भी नहीं पता. बिट्टो ऐसे डालती है, आपने इन केस देखी है मूवी? वाह, बिट्टो ऐसे डालती है, बहुत बढ़िया. अच्छा है ना? बहुत पसंद. भाभी आपको अच्छा लगा? अच्छी से शॉपिंग हो गई, सबको अच्छी लगी. डू यू गाइस रिमेंबर दिस बैकग्राउंड? मैं बहुत यूज़ करती थी इसको अपने इंस्टा के लिए भी और बहुत सारे और भी वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं. एंड ना अभी मम्मी थोड़ा सा ना पंच मार के गई है, बोलती है कि ये थी यू नो बच्चे की यूजी अंडरगारमेंट. लेकिन वो ये सामने वाले जो बाबू अभी मैंने आपको दिखाया था ना वीडियो में, तो वो क्या पहनता ही नहीं है, वो उतार के रखता है. तो मैंने कहा वो भी उसको देख के ना ऐसा हो जाएगा तो ये कभी काम नहीं आने वाले. भाभी बोल रहे नहीं, पहनाना तो पड़ेगा ना. हाँ अभी से ही. और ये देखो करके तो दिखा. अच्छा तो पापा क्योंकि आ चुके हैं और मैं पापा को ये गिफ्ट करना चाहती हूँ जो कि हम शिमला से लेके आए थे. मतलब दोनों को ही अच्छा लगा था, नितेश को भी अच्छा लगा था, मुझे भी. पापा आपको कैसा लगा? पापा आपने देखा भी नहीं, आप कैमरे में देख के बोल रहे. अच्छा तो मैं लेट चल रही हूँ, आपको कॉल कर नितेश बेसिकली. आप मुझे पहन के बताना कैसा लगा. बेसिकली हमने इधर और उधर घर दोनों के लिए खूब सारी शॉपिंग करी थी. और आई एंडेड अप हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. अभी के काटते हैं उस दिन तो थे ही नहीं, तो अब क्या करें. अच्छा दिस इज माय केक. तो भाभी का बर्थडे 16 जुलाई, इससे पहले मम्मी पापा की एनिवर्सरी है उधर 12th ऑफ जुलाई. तो देखते हैं हम भी कहीं वापस जा पाते हैं उनके साथ में या फिर रोनी को भेज देंगे इस बार. ये कोमल के लिए केक बनवाया है, पंकज ने बनाया हमारे बेटे ने, उसकी पसंद से बढ़िया सा. और उसकी बहन के लिए गिफ्ट. इसको देखते ही मैं समझ गई, भैया ऑलवेज मुझे बोलते हैं यू आर अ स्टार, यू आर अ स्टार. तो ये ग्लोब है जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, बट डेफिनेटली ये उनका बड़प्पन है जो ये मुझे बोलते हैं. अदरवाइज आप लोग जब फैमिली हो किसी के तो डेफिनेटली कोई कुछ भी कर सकता है एंड दैट्स द ट्रूथ. क्या बोले जा रहे हो? तो बेसिकली अभी हम फोटो खींच रहे थे, उसमें भाभी से ज्यादा पेट ना इधर दिख रहा था. अरे हेलो, सांस लेनी होती है. मैंने बोला बस गलती से भी ना दोनों मत घुस जाना लेबर रूम में. इधर से लड़की आएगी, इधर से लड़का आएगा. नहीं नहीं नहीं, इधर से ही चाहिए हमको, हमको इधर से ही चाहिए. आई कैन सी माई केक. क्या चल रहा है ये लोग घुमा रहे हैं. मैं बोल रही हूँ कि वो एडिटिंग में हो जाता है, समझ ही नहीं रहे इनको अलग से घुमाना है. वो एडिटिंग बनाएगा तो बनाएगा, मगर हमारी इच्छा है हमने भी घुमा. ये देखो भाभी अभी भी लगी पड़ी है. भाभी छोड़ो. हाँ क्या बोल रहे हो? नवा गर्म है और मार हथौड़ा.
चलो ठीक है। करो फैमिली बहुत फनी है। सो बेसिकली अभी हमने कुछ किया नहीं, बहुत तालियां बजाने चालू। अभी मैंने कुछ किया नहीं भाभी, हैप्पी बर्थडे। चलो आओ पापा, सब जने काटते हैं। आओ भाभी आओ। थोड़ा मारना है क्या? यस, पहले बुझाओ तो सही उसको। अच्छा ओके, तालियां बजाओ सब जने। हाथ चलो अब आ जाओ, थोड़ा मारते हैं। मम्मी नहीं, मम्मी आओ। 1 2 3 ब्लूपर में जाएगा। गॉड शायद दम ज्यादा लग गया। ओके एक और बात गाइस, दिस इज नॉट हैपनिंग। ये मेरे साथ मजाक किसने किया पड़ेगी बताओ। क्या है इसमें? होलो है ये। होल ही तो है बस। तो मैं क्या करूं फिर, इसमें खड्डे करती जाऊं ऐसे? हां इज होल मान के उसको। वेरी नाइस। इसमें कुछ है क्या अंदर? आई डोंट नो। ओ इट्स मेड अप ऑफ चॉकलेट यार। लव रहती भरोस के अंदर। गाइस गाइस ये तो सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। ये इसको डाल दो। नहीं अरे केक था क्या था यार? यार नहीं यार, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्या दिहाड़ी है तेरी कोमल को? मेरी तो यार थोड़ा मारने पे ना मुझसे पूछा जा रहा है मेरी दिहाड़ी क्या है। कोई डिमांड नहीं है हमारी। बेलदार में आते हो, कारीगर में आते हो, किस में आते हो? ठेकेदारों में। हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पूरा। पापा ये कुछ चॉकलेट है। थोड़ी सी ना नज़र घुमा के आते हैं। अभी आई जस्ट हैड इडली सांभर, बहुत ही अच्छा लगा। मटर और फुलके की जगह है नहीं, मसाला पीनट मुझे खाना है नहीं। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पुराना वाला रूम। एंड लेट्स स्टॉप हियर बिकॉज दिस इज हाउ माई ड्रेस लुक्स लाइक, इट्स फ्रॉम शीन। चलो रूम दिखाती हूँ आपको। सामान स्टार्ट होता है बिल्कुल दरवाजे के बाजू से। और देखो इधर देखो, इधर देखो, ये रूम आज भी वैसा ही है। एंड मेरी बहुत सारी मेमोरीज अटैच्ड हैं। ऑनेस्टली यहाँ पे एसी था ही नहीं और मैं बिल्कुल बंद कमरे में ऐसे वीडियोस वगैरह बनाती थी। बहुत हार्ड वर्क किया है गाइस, बहुत ज़्यादा। अरे यार मतलब ऐसे जो पल होते हैं ना, ये इतने प्रेशियस होते हैं कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। But it just feels so nice. दोनों को ही रोना आ गया। इस बार पहली बार मैंने नेल्स पे भी लाइक टो नेल्स पे भी जेल पॉलिश लगवाई है। ओहो सो चलो इट्स टाइम टू से बाय बाय पापा। बाय बाय बेटा। अभी ना एक बहुत ही फनी चीज़ हुई। वैसे बोलते हैं ना जब दो लोग किस करते हैं तो नाक क्यों टकराती है। अभी हम हग कर रहे थे तो ये टकरा गया। वो अभी बोल रही है छोड़ो ना यार, टकरा रहा है ये। हाँ लग गई एकदम से। इसका मतलब सर्वर दिख रहा है, मतलब ये है डे। अच्छा ये है डे, ये टेल है।